जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ प्रगति पांडे एंड आई एम हियर विथ न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्सरसाइज। बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर and in this we will go through the summary of the chapter. Basically what we have studied earlier, we will go through these things and discuss. So you can see that there is an several questions which are based on multiple choice questions. You have many answers, 3-4 answers, and you have to choose the correct one. Okay, so first of all you will solve the questions, then after you will be able to answer these questions. So students, you can see that the first question is the zero of 2x minus 1 is. That means यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें basically x की value find करनी है. The zero of 2x minus 1 मतलब हम क्या करेंगे, 2x minus 1 is equal to 0 रख करके हम इसको solve करेंगे और x की value find करेंगे. Okay, let's see how we will do. So students, your question is 2x minus 1 is equal to 0. तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 2x is equal to minus 1 है, is equal to के इधर आएगा तो plus 1 हो जाएगा. 2x is equal to plus 1 हमें मिला. अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे अगर हमको x अलग करना है तो 2 multiply के साथ है, अगर हमने अलग किया तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो divide के साथ हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा. देखेंगे ऑप्शन में 1/2 a जो है उसका ऑप्शन जो है 1/2 है. सो दैट विल बी द राइट आंसर. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस x बाई 2 प्लस 5, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वॉट यू विल डू, लेट सी, हियर इज द क्वेश्चन, 3x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस 5. क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 रखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 रखेंगे, LCM लेंगे इस साइड का 2 होगा, इधर हो जाएगा 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, इधर हो जाएगा आपका x प्लस 10. आपको मिला, कंडीशन आपकी ये हुई. अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी बेस 2 है और इसका भी बेस 2 है तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 6x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 10. 6x है और ये x है, x इस साइड आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगी, यानी 6x माइनस x इज इक्वल्स टू 10, 1 इधर जाएगा माइनस 1. 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 5 और काट देंगे हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2. सॉरी, देर इज़ एन मिस्टेक, हमने क्या किया, 10 में से 1 हमको घटाना चाहिए था तो ये हमने गलती कर दी. 5x इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, x इज इक्वल टू 9 बाई 5. ऐसे कैलकुलेशन में आप हमेशा ध्यान देंगे कि आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे. 6x में से x गया 5x, 10 में से 1 गया 9. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शन, यू कैन सी दैट ऑप्शन इज 9/5, C1 इज द राइट आंसर. Now question number 3, the sum of two consecutive odd number is 20, the larger number is. कह रहा है दो consecutive odd numbers हैं, यानी कि एक होगा x plus 1 और एक होगा x plus 3. Okay, first number will be x plus 1 and second number will be x plus 3 और दोनों का summation दिया गया है 20. देखेंगे दो consecutive कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कही जा रही है. तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका, आपका हो जाएगा x प्लस 1 और सेकेंड नंबर होगा आपका x प्लस 3. तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 20 दिया गया है, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर हो जाएगा. आप इसको आगे सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2p माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p.
अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू में सेम इसी तरह की कंडीशन को किया था, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है. सो दिस इज योर असाइनमेंट वर्क. आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आवर, सो बी केयरफुल फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर फाइव, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 20. कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एंगल्स जिनका समीशन 90 हो, मीन्स दो एंगल्स हैं जिनका समीशन 90 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और उनमें डिफरेंस कितने का है, 20 का. दैट मीन्स टू एंगल्स आर देयर और इनका सम जो है वो 90 है. एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 20 है, मतलब एक x है और दूसरा उससे 20 ज़्यादा है, यानी 20 का दोनों में अंतर. दोनों का सम्मिशन कितना है, ये फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल, दोनों को ऐड करेंगे, ये सब ऐड होगा, इज इक्वल टू 90. x प्लस एक्स यानी कि 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 90. इधर है 20 को हम इस साइड ले जाएंगे, 90 माइनस 20 हो जाएगा. इसी तरह 2x इज इक्वल टू 70, 90 में से 20 जाएगा, x इज इक्वल टू 70/2 यानी कि 35. यानी हमारा फर्स्ट एंगल जो हो गया वो 35 हो गया और सेकेंड एंगल हो गया 55. ओके, तो पूछ रहा है कि बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ा वाला एंगल, द लार्जर एंगल विल बी 55. सो यू कैन ईजली सॉल्व दैट. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 30. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम्मिशन 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है. इसको आप खुद करेंगे, यहाँ भी वही कंडीशन, सेम कंडीशन है, डिफर कर रहे हैं यहाँ पे 30 से, लेकिन वहाँ पे हमने सम्मिशन को रखा था 90, यहाँ पे सम्मिशन को हम रखेंगे 180. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स 3/7 इज 200. कह रहा है सम है 200. फर्स्ट कंडीशन इज दैट फर्स्ट नंबर इज x और सेकेंड नंबर कह रहा है 3/7 ऑफ x. मतलब फर्स्ट नंबर इज दिस, कह रहा है पहला नंबर दूसरे नंबर का 3/7 है. तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया और दूसरा नंबर उसका 3/7 है, और इन दोनों का सम्मिशन 200 है. अगर इन दोनों का सम्मिशन 200 होगा तो क्या हम करेंगे, x प्लस 3/7 x इज इक्वल टू 200. LCM इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 होता है, 7 LCM हो गया, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 200. 7 प्लस 3 10x हो गया आपका, 10x/7 इज इक्वल टू 200. 10x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 7. ओके, एंड नाउ x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 7/10. 0 से 0 कट गया, 27 = 140. यानी फर्स्ट नंबर हो गया x जो हो गया आपका 140 और सेकेंड नंबर हो गया 3/7 ऑफ 140. इससे कटेगा ये 20 हो जाएगा, 23 = 60. यानी सेकेंड नंबर आपका हो गया 60 और फर्स्ट नंबर आपका हो गया 140. ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स 3/7 इज 200. हमने निकाल दिया पहला नंबर 140 और दूसरा नंबर 60. तो द नंबर इज, तो कौन सा होगा, 140, क्योंकि 60 ऑप्शन में कहीं भी दिया नहीं है, तो इस वजह से 140 होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. This is your assignment work. You have to solve these questions, these three questions. So students, that's all for today. We will meet in the next video with a new chapter. And the name of your new chapter is Ratio and Proportion. So we will discuss ratio and proportion from the next video. So one thing for you, that you will collect all your doubts from this chapter, and we will discuss those doubts in the evening in the doubt class, and then after we will proceed our next chapter. Okay.
complete your assignment work, keep preparing your notebook. So thank you, students.